नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है और मई का महीना शुरू होने वाला है। विभिन्न बैंकों के कस्टमर्स के लिए ये खबर काम की है। अगर आपका भी मई महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो जल्दी निपटा लें, क्योंकि मई महीने की शुरुआत बैंक छुट्टियों से होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई महीने में होने वाली छुट्टी की पूरी लिस्ट को जारी कर दिया है। महीने की शुरुआत में लगातार 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। भारत में जैसे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, मगर उससे बड़ी एक और समस्या सामने आई है। दरअसल भारत की रोजगार सृजन समस्या एक बड़े खतरे में बदल रही है। ऐसे में ये पता चला है कि लोगों की बढ़ती संख्या अब काम की तलाश में भी नहीं है। मुंबई में एक निजी शोध फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट के नए आंकड़ों के अनुसार सही प्रकार की नौकरी नहीं मिलने से निराश लाखों भारतीय, विशेष रूप से महिलाएं, श्रम बल से पूरी तरीके से बाहर हो रही हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया गया है। पात्र कार्ड धारकों को नहीं मिल पा रहा है राशन, तो ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली और NCR में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। अब इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उनके मंत्रालय के भी अधिकारी इस समीक्षा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि वो याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और पी चिदम्बरम ने विधानसभा सीटों के परिसीमन का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। कुछ खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि अमेरिका चांद पर परमाणु परीक्षण करना चाहता था। अमेरिकी सरकार के एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के दस्तावेजों से पता चलता है कि यह चंद्रमा पर एडवांस तकनीक का परीक्षण करने की योजना बना रहा था, जिसमें विजिबिलिटी क्लोक्स और एंटी ग्रेविटी डिवाइस, ट्रैवर्सिबल वर्म होम्स और परमाणु विस्फोट करके चंद्रमा पर सुरंग बनाने शामिल था। साल 2021 में 1618 खरब रुपए के साथ वैश्विक सैन्य खर्च अब तक के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 1618 खरब रुपए तक पहुंच गया है। 2021 में क्रमानुसार 5 सबसे बड़े खर्च करने वाली अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस थे, जो कुल खर्च का 62% था। प्रदेश में अब बिजली कनेक्शन के लिए अब जमीन की रसीद देना जरूरी नहीं होगी। आम उपभोक्ता के सुविधाओं के लिए बिजली कंपनी नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अपने कनेक्शन के लिए बिहार के लोग अगर जमीन की रसीद के बदले शपथ पत्र भी जमा कर देंगे तो उन्हें कनेक्शन दे दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण और शहरी इलाके में ये देखा जा रहा है कि लोग कई सालों से जिस जमीन पर रह रहे हैं उनके पास उसकी रसीद ही नहीं है। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके लिए कंपनी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नौकरी को पाने के लिए उम्मीदवार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। hindustancopper.com पर नौकरी से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मैक्रो को 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। पहले अनुमानों में मैक्रो को लगभग 57-58% वोट हासिल करते हुए दिखाया गया था। इस तरह के अनुमान आमतौर पर सटीक होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 71,486 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 26,000 से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। गहलोत ने कहा है कि उनके आधिकारिक सदन में निवेश बोर्ड की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई महत्वपूर्ण औद्योगिक कंपनियां अब अपनी अनुकूल औद्योगिक नीतियों के कारण राज्य की तरफ आकर्षित हो रही हैं। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को और भी ज्यादा मदद मिलेगी। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विकास मॉडल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की टक्कर में भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में त्रिपक्षीय विकास निगम यानी कि TDC फंड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत भारत प्रशांत क्षेत्र और अन्य भौगोलिक क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जिसमें सरकार उनकी उम्मीद मदद करेगी। बॉलीवुड में अपने अभिनय से सभी का दिल जीतने वाले अक्षय कुमार इन दिनों एक के बाद एक फिल्म में काम कर रहे हैं। हर महीने उनकी एक नई फिल्म का ऐलान हो जाता है। अब एक्ट्रेस राधिका मदान के साथ अक्षय साउथ फिल्म सोरा रई पोट्रू में हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं। वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, नारियल को फोड़ते हुए और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। फिल्म का टाइटल अब तक तय नहीं हुआ है। अगर आपके दिमाग में फिल्म के टाइटल के लिए कोई सुझाव आता है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।
पंजाब के सीएम भगवंत मान दो दिन के दौरे पर दिल्ली आ चुके हैं। भगवंत मान सोमवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो अपने दो दिन के दौरे के दौरान दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों को जानेंगे। मान के साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के अलावा मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए इमैनुअल मैक्रोन को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई। मैं भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने की आशा करता हूँ। कन्नड़ सुपरस्टार यश की हालिया रिलीज हुई फिल्म KGF 2 ने बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने बाहुबली 2, टाइगर जिंदा है और संजू जैसी कई बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब तक KGF 2 का जलवा बरकरार है और इसी वजह से शाहिद कपूर की नई फिल्म जर्सी की कमाई पर भी इसका सीधा असर पड़ता देखा गया है। नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रुके हुए बेल आउट पैकेज को एक साल तक बढ़ाने और कर्ज का आकार बढ़ाकर 8 अरब डॉलर करने पर सहमति जताई है। इस फैसले से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार को राहत मिलने की उम्मीद है। कोयले की कमी से कम बिजली उत्पादन से जूझ रहे मध्य प्रदेश में बिजली महंगी होने की वजह से जनरेशन कंपनी का गलत निर्णय भी शामिल है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के अलग अलग इकाइयों में बिजली उत्पादन की लागत अलग होती है। अब जिस इकाई में सस्ती बिजली बनती है उसके बजाय महंगी बिजली बनाने वाली इकाई को अधिक कोयला भेजना प्रबंधन के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। जैसे तैसे रेलवे ने कोल रैक मिल रहे हैं जिन्हें कोल प्लांट के करीब स्थापित प्लांट में पहुंचाने के बजाय सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थापित प्लांट में भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से कोयला परिवहन के बाद महंगा हो रहा है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। आज फिर इस संख्या में हालांकि थोड़ी कमी जरूर आई है। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार सोमवार को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के 2541 नए केस सामने आए हैं। वहीं संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कई जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। एक स्टॉक में पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है। यह शेयर टिन्ना रबर और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। कंपनी का शेयर साल 2021 के मल्टीबैगर स्टॉक्स में से एक है और इस साल भी यह मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयरों में हो सकता है। टिन्ना रबर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों ने पिछले एक साल में 886% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। इस अवधि में कंपनी के शेयर 34 रुपये से बढ़कर 335 रुपये के पार पहुंच गए हैं। जब टेलीफोन शुरू हुआ तो किसी ने नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो बिना तार के चलेगा। अब जिसको देखो उसके पॉकेट में फोन जरूर दिखाई देता है। जब टेलीविजन आया तो बड़े बड़े एंटीना लगाए जाते थे, एंटीना छोटे होते गए, फिर एक खास केबल के जरिए घर घर टेलीविजन पहुंचा। केबल के बाद घर की छतों पर डिश एंटीना लगने लगा और अब फाइबर केबल से टीवी देखा जाने लगा है। पहले ज्यादा साफ आवाज, साफ तस्वीर और ज्यादा चैनलों के साथ अब इसी तरह आपके घर की बिजली भी डिश एंटीना से आने की उम्मीद है। चीन की जीरो कोविड नीति फेल होती दिख रही है। जैसे जैसे चीन के ज्यादातर शहरों में कोरोना का प्रकोप फैलता जा रहा है, इस नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। मार्च महीने के बाद से कई जगहों पर महामारी के उभरते और फिर से फैलने के साथ कोरोना मामलों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। वहीं वहां की सरकार अभी भी इस नीति को कारगर बता रही है। UPSC पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल है। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो शाम तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र सेवा IES, भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS के 53 पोस्ट पर उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार आवेदन जारी अधिसूचना को पढ़कर योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। 26 अप्रैल आवेदन की अंतिम तारीख है। BPCL का शेयर आज सुबह के ट्रेड में 5% से ज्यादा फिसल गया। इससे पहले वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा था कि सरकार ने BPCL के विनिवेश की योजना टाल दी है। अनिल अग्रवाल ने मनी कंट्रोल से बातचीत में बताया था कि ये विनिवेश नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार ने फिलहाल ये प्लान टाल दिया है और अब वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। उन्होंने कहा है कि अब वो इस योजना पर आगे नहीं बढ़ेंगे। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र को कोवैक्स सुविधा के तहत GAVI द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की गई कोविशील्ड की उपलब्ध 10 करोड़ खुराक का उपयोग करने की सलाह दी है। पुणे स्थित फर्म ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि अगर भारत सरकार इन 10 करोड़ मुफ्त कोविशील्ड खुराक को समय पर नहीं लेती है तो इसके परिणाम स्वरूप महामारी के प्रकोप के दौरान जीवन रक्षक टीकाकरण की बर्बादी होगी। इंडोनेशिया ने अपने देश में घरेलू कमी को कम करने और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पाम ऑयल और उसके कच्चे माल के निर्यात पर 28 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। दरअसल इन दिनों इंडोनेशिया भारी महंगाई की मार झेल रहा है। गुरुवार को ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सैकड़ों लोगों ने खाने की चीजों की महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया था। BCCI ने IPL 2022 के प्लेऑफ और फाइनल के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया है। इस बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर जरूर आई है। IPL का फाइनल देखने के लिए स्टेडियम की क्षमता के 100% दर्शक मौजूद रहेंगे। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बोर्ड की बैठक के बाद इस बात की पुष्टि की है कि 3 टीमों की महिला चैलेंजर का आयोजन 24 से 28 मई तक लखनऊ में होगा।
पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक इंडोनेशिया के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले इस खाद्य तेल की कीमत में तेजी आ गई है। साथ ही इसके आगे और महंगा होने की संभावना है। वायदा कारोबार में इंडोनेशिया के निर्यात बैन से घोषणा के बाद से ही पाम ऑयल 6% महंगी हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ने राज्य के तट में पास में अरब सागर में चालक दल के 9 सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। इस नाव से 280 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन जब्त की गई है। इस बात की जानकारी एक रक्षा प्रवक्ता ने सोमवार को दी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आई है। यहां सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 20,000 अभ्यर्थियों का यूपीटीईटी 2021 का रिजल्ट रोक दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर इन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किया गया था। इन सभी अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से DL परीक्षा पास की है, जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, नीनू कुमार, सचिन कुमार, गायत्री देवी, ध्रुव कुमार, जितेंद्र कुमार, सुवेश कुमार, प्रहलाद कुमार, नीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ती महंगाई का असर आपकी जेब पर पड़ा है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।